जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने मौका दिया अपनी वडियाई कराने का, थैंक यू सो मच। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी जो ये करवाते हैं, जो गुरु जी मुझसे बुलवा रहे हैं, ये गुरु जी खुद ही मत वो बख्शते हैं कि गुरु की वडियाई किस तरह से करनी है। गुरु जी का सत्संग, संगत जी, 2016 में गुरुजी ने मेरी शादी करवाई थी 13 जुलाई। शादी के कुछ टाइम के बाद मेरी माय मॉम स्टार्टेड टेलिंग मी कि आप प्लानिंग करो। तो जब एक दो बार, तीन बार, चार बार संगत जी जब मम्मा बोलने लगी रेगुलरली, तो माइंड में जो आ रहा था कि प्लानिंग के लिए आ रहा था प्रेगनेंसी से रिलेटेड, और जो भी सत्संग प्रेगनेंसी का मैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे कहीं पे भी कुछ भी पढ़ रहा था, तो वो बार बार जो प्रेगनेंसी का मंथ आ रहा था वो अक्टूबर आ रहा था। अब अक्टूबर जो बार बार आता था, आई वाज वंस अगेन माय मॉम टोल्ड मी कि यू स्टार्टेड योर प्लानिंग। तो आई टोल्ड माय मॉम कि मम्मा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ यानी कि जो मेरी आंटी है वो अक्टूबर में कंसीव करेगी, मुझे ऐसा लगता है। और संगत जी, यू वोंट बिलीव, 10th अक्टूबर को मेरा बर्थडे होता है, और 10th अक्टूबर को गुरुजी आए थे घर पे अपनी संगत को लेके आने की, गुरुजी का सत्संग हुआ था, और 17th अक्टूबर 2017 छोटी दी वाली थी, माय आंटी वाज प्रेग्नेंट। मतलब आप ये देखिए संगत जी कि जोन सा मंथ गुरुजी ने मुझे इंडिकेट किया था अक्टूबर का, उसी मंथ में ही मेरी आंटी प्रेग्नेंट हुई। क्योंकि एज यू ऑल नो संगत जी, प्रेगनेंसी हमारे हाथों में बिल्कुल भी नहीं है। अब जब मेरी वाइफ यानी कि जो मेरी आंटी है वो प्रेग्नेंट हुई, तो गुरुजी की रहमत से गुरुजी सेवा करवाते हैं मंदिर में, तो किचन में जितनी भी आंटीज हैं सब यही कह रहे थे कि तेरी बेटी होगी। मेरी फैमिली मुझे बोलती थी तेरी बेटी होगी, मेरे मामा डॉक्टर हैं वो मुझे कहते थे कि तेरी बेटी होगी, क्योंकि मतलब जो भी वो कैलकुलेशन करते थे। तो मेरी फैमिली में जिसके जितने भी बेबीज हुए हैं और जो भी वो मेरे मामा उन्हें बताते थे कि बॉय होगा गर्ल होगी, वो वही बताते थे और वही होती थी। जब मेरा टाइम आया, बेबी शाह का टाइम आया, तो आई आस्क्ड माय मामा कि आप बता दीजिए, क्योंकि मेरे को शॉपिंग करनी है, तो बॉय की करे या गर्ल की करे। तो ही टोल्ड मी द सेम थिंग कि तू, तेरी बेबी गर्ल है, तू गर्ल की शॉपिंग कर। संगत जी, यू वोंट बिलीव, जब डिलीवरी हुई तो बेबी बॉय हुआ। बेबी बॉय ऐसे हुआ संगत जी कि गुरु जी ने, एक हमारी आंटी है किचन में, उनको पहले ही ड्रीम आके बता दिया था कि उनके घर पे सत्संग हो रहा है गुरुजी का, और वहां पे मैं, मेरी आंटी और एक मेरा छोटा सा बेटा, जो कि गुरुजी ने उन आंटी को क्लियरली विजन में दिखाया था कि इसका बेटा है, वो गुरुजी के साथ, गुरुजी की गद्दी के साथ खेल रहा है। और जब डिलीवरी का टाइम आया तो संगत जी, गुरुजी ने बेटा ही ब्लेस किया, क्योंकि गुरुजी ने ऑलरेडी बेटा दिखा दिया था आंटी को। तो ये हमारे रब की हम सबके ऊपर कृपा। उस बच्चे के लिए संगत जी, गुरु जी ने एक और ब्लेसिंग बताई, जो कि मुझे 2020 में पता चली लॉकडाउन के टाइम, 5th जुलाई 2020, गुरु पूर्णिमा वाले दिन। उस बच्चे के लिए गुरु जी ने एक और ब्लेसिंग ये बताई थी, जो कि 2018 में बताई थी, लेकिन महाराज के जो टाइमिंग्स है संगत जी, जिस टाइम पे जो ब्लेसिंग्स पता चलनी है वही ब्लेसिंग्स उस टाइम पे पता चलती है। और जो ब्लेसिंग्स गुरुजी ने ये बताई थी 2018 में, एक आंटी को ड्रीम में आके, कि ये जो मैंने इसको बेटा ब्लेस करके दिया है, ये जो इसकी सोल है वो पिछले जन्म में शब्द सुनता था, गुरबानी से जुड़ा हुआ था, ये वो वाली सोल मैंने इसको ब्लेस करके दिया है। ये हमारे रब की रहमत है संगत जी, जो हमारा रब हम सबसे कितना प्यार करता है, कि जितने भी बच्चे हैं गुरुजी के, ये सारी ब्लेस सोल्स है। उन्होंने मुझ पर इतनी रहमत बख्शी कि उन्होंने बताया कि मैंने तेरे को कौन सी सोल ब्लेस करके दी है। और इसके बाद एक जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था और 23 मार्च को लॉकडाउन हो गया था। और ये लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन खुलना था 14 अप्रैल को, और विद द टाइम मतलब ये लॉकडाउन इंक्रीज होता गया। तो जैसे ही 24-25 मार्च हुई थी, तो मेरी वाइफ अगेन टोल्ड मी, यानी कि मेरी आंटी ने मुझे दोबारा से बोला कि आई एम प्रेग्नेंट, और ड्यूरिंग लॉकडाउन इन 2020। तो संगत जी, मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये सेटल नेगेटिव थॉट्स थे उस टाइम पे कि मुझे गुरुजी ने एक ही बेटा ब्लेस कर दिया, और आई डोंट वांटेड अ सेकंड बेबी, मुझे सेकंड बेबी
उस टाइम पे मेरे नेगेटिव थॉट्स ये थे कि मुझे किसी भी हालत में दूसरा बच्चा नहीं करना। और आप ये देखिए कि जैसे ही मेरी वाइफ ने मुझे बताया तो आई कॉल माय मामा कि आप अबॉर्शन करा दो इसका, क्योंकि आई डोंट वांटेड अ सेकंड बेबी। उस टाइम पे मेरे नेगेटिव थॉट्स ये थे, तो मामा ऑल्सो टोल्ड मी द सेम थिंग कि अभी तो कोविड का टाइम है, बहुत पीक लेवल पे है, अभी कुछ भी नहीं हो सकता, यू शुड वेट, जब ये लॉकडाउन खुलेगा तब देखते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल सारे बंद हो चुके हैं, सिर्फ कोविड का ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई प्रेगनेंसी का इस टाइम पे कोई देखेगा नहीं, यू शुड वेट और हम देखते हैं क्या करना है। इन बिटवीन एक आंटी का भी फोन आ गया मेरे पास, जो कि गुरुजी की किचन में ही सेवा करती है, वो मुझे कह रही कि जितेश मुझे ऐसा लग रहा है कि तू बहुत टेंशन में है। मैंने उन आंटी को यही बोला संगत जी कि आंटी मैं बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि आई डोंट वांटेड अ सेकंड बेबी और मेरा भी पहला बेटा बहुत छोटा है हुआ है, 13 मई को वो गुरुजी ने ब्लेस किया था उसको, तो 13 मई को वो 2 साल का कंप्लीट होगा, तो आई डोंट वांटेड अ सेकंड बेबी एंड आई विल गो फॉर एन अबॉर्शन। तो शी टोल्ड मी द सेम थिंग कि देख जितेश कोई गुरु की संगत नहीं कहेगी कि तू अबॉर्शन करा, यू वेट और गुरुजी के ऊपर छोड़ दे, जैसे गुरुजी को गुरुजी तेरे को मतलब गुरुजी ने तेरे लिए सोच रखा होगा वो तेरे लिए गुरुजी बिल्कुल बेस्ट बेस्ट करेंगे, तो गुरुजी के ऊपर छोड़ दे। संगत जी आप विश्वास मानिए 12 अप्रैल को संडे का दिन था और दोपहर के 2 बजे मुझे अल्ट्रासाउंड के टाइमिंग्स मिली। आप विश्वास करिए संगत जी मैं जिस टाइम पे निकल रहा हूँ दोपहर के 2 बजे, अब आप ये देखिए महाराज की टाइमिंग्स देखिए कि दोपहर के 2 बजे मैं अपने घर का लॉक अभी खुला है, भी गेट ओपन नहीं किया था, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आज आप मेरे साथ चलो, आज मेरी इम्तिहान की घड़ी है क्योंकि जो आप करोगे वो मेरे बेस्ट करोगे। और संगत जी अभी मैंने गेट ओपन भी नहीं किया था, मेरे पास एक सेवादार का कॉल आता है जो कि टाइमिंग्स आप ये देखिए, उस सेवादार का कॉल मुझे, वो सेवादार मुझे आज तक कभी वीडियो कॉल नहीं करता, वो मुझे वीडियो कॉल करके मुझे गुरु जी के बड़े मंदिर के शिवलिंग के दर्शन कराए। वो मुझे कह रहे हैं जितेश मैं आज तक कभी भी अपनी फैमिली को वीडियो कॉल करके गुरु जी के दर्शन नहीं करवाए, मुझे पता नहीं मैं आया मंदिर मत्था टेक दर्शन करने के लिए और मैं वापस चला गया, मैं टी पॉइंट से वापस आया हूँ ट्रांसफॉर्मर तक कि लाइक उसके मन में ये आ रहा था कि मैं जितेश को गुरुजी की ब्लेसिंग दिलवा दूं। और मैंने उन अंकल को यही बोला अंकल ये फोन आपने नहीं किया, ये फोन गुरुजी ने मुझे करवाया अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, और गुरुजी की ब्लेसिंग ली और मैं जब गया अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए तो संगत जी डॉक्टर मुझे कहती है एवरीथिंग इज नॉर्मल, आपकी बेबी की हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपका बेबी 8 वीक्स 2 डेज का हो चुका है। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा संगत जी कि अभी 10 दिन पहले मुझे प्रेगनेंसी पता चली और यहाँ बेबी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का कंप्लीट हो चुका है और 3rd मंथ भी मेरी वाइफ को यानी कि मेरी आंटी को स्टार्ट हो चुका है। तो उस टाइम पे मुझे डॉक्टर्स ने भी मना कर दिया कि अबॉर्शन 1st वीक 2nd वीक में होते हैं, 8 वीक्स का बेबी हो चुका है और अभी बेबी की हार्ट बीट पूरी आ चुकी है, बेबी फॉर्म पूरा हो चुका है, तो अभी कोई अबॉर्शन नहीं हो सकता, आप यू शुड गो और आप 6 मंथ्स के बाद आपको दूसरा बेबी मिल जाएगा। जब मैं घर आया संगत जी तो आई टोल्ड माय मॉम कि ये तो अबॉर्शन के लिए मना कर दिया, तो मॉम ऑल्सो टोल्ड मी द सेम थिंग कि यू शुड नॉट गो फॉर एन अबॉर्शन और कोई नहीं आपके दोनों बेबी साथ साथ पल जाएंगे। आप विश्वास करिए संगत जी मैंने उन्हीं आंटी को फोन करने के लिए इवनिंग में कॉल किया जिन आंटी का मेरे पास 1 हफ्ते पहले फोन आया था, मैंने उन आंटी को बोला आंटी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं अबॉर्शन नहीं करवा रहा और बेबी की हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है और सब कुछ ठीक है और गुरुजी उस बच्चे का अबॉर्शन नहीं करवाने दे रहे हैं। तो आप ये देखिए संगत जी वो आंटी मुझे दोबारा से कहती है कि जितेश मैं 2 दिन पहले एक सत्संग सुन रही थी उसमें प्रेगनेंसी का था तो मुझे ध्यान आया कि जितेश कह रहा था कि आंटी मैं अबॉर्शन कराऊंगा, तो वो कह रही है कि जितेश मैं ना गुरुजी के पास बैठी और मैंने तेरा नाम लिया, मुझे टेलीपैथिकली एक आवाज आई वो अबॉर्शन नहीं कराएगा। ये हमारे रब है जो हम सबसे संगत जी कितना प्यार करते हैं कि अपने बच्चों को पाप करने से भी बचाते हैं, वो रब ने आप ये देखिए कि संगत को जाके अल्ट्रासाउंड अभी नहीं हुआ था और संगत को जाके पहले ही बता दिया था कि वो अबॉर्शन नहीं कराएगा, वो मेरी कॉल का वेट कर रही थी कि मैं मुझे गुरुजी ने आंसर दे दिया, मैंने जितेश के मुंह से आंसर सुनना है कि जितेश का क्या आंसर है। ये मेरे रब की हमारे रब की हम सबके ऊपर कृपा रहमतों की बरसात जो मालिक बरसते हैं कि मालिक ने पाप करने से बचाया
और 31 अक्टूबर 2020 को गुरुजी ने एक और बेटा ब्लेस किया। अब उस बेटे के लिए अल्फाबेट निकला था एल से, जो कि पंडित ने निकाला, एल फॉर लंदन। तो मुझे एल से कोई नेम सजेस्ट समझ ही नहीं आता था कि मैं एल से इस बच्चे का नाम क्या रखूं। अब मेरे को एक फ्रेंड के, मेरे बेटे का नाम शबद है, तो मुझे ये नाम बहुत पसंद था। मैंने गूगल में वैसे ही सर्च किया तो उसमें दो नाम और आए, शिवाय और शिवांश। अब मैंने गुरुजी को अपने मन में, लाइक जैसे गुरुजी कहते हैं 1-to-1 कनेक्शन, आप सब अपने संगत को सिर्फ गुरु के साथ 1-to-1 कनेक्शन बनाना है। तो मैंने गुरुजी से को देख के बोला, गुरुजी आप इस बच्चे का नाम रख दो शबद, शिवाय या शिवांश, लेकिन मैं इस बच्चा का नाम शबद ही रखूंगा क्योंकि मुझे ये नाम बहुत पसंद है। आप विश्वास मानिए संगत जी, एक दो दिन के बाद ही मुझे एक आंटी फोन करती है। वो मुझे कहती है, जितेश कल मुझे एक ड्रीम आया था जिसमें मैंने देखा कि बहुत सारी संगत रेड कलर के कारपेट पे बैठी हुई है और उस संगत में मैं भी बैठी हूँ और आप भी बैठे हुए हैं, और आपके साथ मैंने एक छोटा सा बेटा देखा है जो बड़े वाले से छोटे वाला था और वो चलने की कोशिश कर रहा है और आप उसको कह रहे हो शिवाय इधर आओ, शिवाय इधर आओ। अब आप ये देखिए संगत जी कि उन आंटी को कैसे बता कि मैंने गुरुजी को, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे और गुरुजी के बीच में थी कि गुरुजी को मैंने तीन नाम दिए थे, शबद, शिवाय और शिवांश। ये गुरु की रहमत, गुरु की कृपा कि वो मुझे आंटी कह रही है आप मेरे ड्रीम में आके अपने बेटे को शिवाय बुला रहे थे, शिवाय इधर आओ, शिवाय इधर आओ। तो गुरुजी ने अपने बच्चे के दिए हुए नाम शिवाय रख दिया। ये गुरु की इतनी बड़ी कृपा जो गुरुजी ने मुझ पर किया और सबके ऊपर करते हैं, जो कि गुरुजी ने मुझे दो बेटे ब्लेस किए। इनफैक्ट कोविड, ड्यूरिंग कोविड, इन द मंथ ऑफ जुलाई, इन द मंथ ऑफ जून, सॉरी संगत जी, इन द मंथ ऑफ जून मेरी वाइफ को कोरोना पॉजिटिव हुआ और मुझे भी कोरोना पॉजिटिव हुआ और मेरे 2 साल के बेटे को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ। अब आप विश्वास मैंने संगत जी, मुझे कोई सिम्टम नहीं, ना कोई फीवर, ना कोई मोशंस, जो भी कोरोना के सिम्टम्स हैं, नथिंग। गुरुजी की रहमत से, गुरुजी की रहमत से जो मेरा 2 साल का बेटा हुआ था उसको कोई सिम्टम नहीं। जो मेरी आंटी है, जो मेरी वाइफ है, यानी कि उनकी जो है सांस फूल रही थी क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे थे कि गर्मी इतनी है और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, मेरी आंटी का 5th मंथ चल रहा था तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सांस तो फूलेगी क्योंकि गर्मी बहुत है। तो लेकिन जब सांस इतनी फूल रही थी तो डॉक्टर्स ने बोल दिया कि कोरोना है। तो आपको उस टाइम पे संगत जी हॉस्पिटल्स का तो इतना बुरा हाल था कि जितनी अमाउंट वो मांग रहे थे सबको उतनी अमाउंट, कोई डॉक्टर हॉस्पिटल 5 लाख मांग रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है, जितनी अमाउंट जो भी तो हॉस्पिटल मांग रहे थे सब उतनी अमाउंट पे कर रहे थे। तो उस टाइम मुझे हॉस्पिटल ने बोला गया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 4 लाख रुपीज आप जमा कराओ। आप विश्वास मानिए संगत जी, 4 लाख रुपए मुझे बोला गया था जमा कराने के लिए। और उस टाइम पे एक और था, एक और रूल था कि कोरोना पेशेंट्स को आप सिर्फ एम्बुलेंस में लेके जा सकते हो, आप अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते। मुझे शाम से कोई एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, रात के 9 बजे मुझे गुरुजी ने एम्बुलेंस करवाई। उसको मैं कहां प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जा रहा हूँ, गुरुजी ने उसको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भिजवा दिया। अब आप ये देखिए कि जब मुझे तो ABCD भी नहीं पता गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, और क्योंकि मैं खुद ही लाइक क्वारंटाइन कर रहा था अपने रूम में, तो मैं भी अपने घर से नहीं निकल सकता था। तो मैंने नेक्स्ट डे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फोन करके उनसे पता कराया कि सर आप मुझे बिलिंग अमाउंट बता दीजिए कि कितना बिल वगैरह, क्या एज एन डिपॉजिट मनी क्या पे करनी है। तो वहां से मुझे वो ये कहते हैं कि सर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो इसमें आपकी आंटी का इलाज जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मतलब गुरुजी ने 1 रुपया भी संगत जी मेरी आंटी पे नहीं लगवाया। वो 10 दिन में उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, 12 डेज में मेरे बेटे की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, और 12 डेज में जब मैंने भी टेस्ट कराया लेकिन मेरा टेस्ट की रिपोर्ट फिर भी पॉजिटिव थी। तो लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है जब मेरे को कोई सिम्टम ही नहीं है, लेकिन ये जो पेपर है इस पेपर में पॉजिटिव लिखा क्यों आ रहा है। तो एकदम से संगत जी मुझे ध्यान आया कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसके थोड़े टाइम बाद, लाइक आई वाज थिंकिंग कि यार गुरुजी ऐसा करो मुझे भी कोरोना हो जाए और मैं और आप दोनों 14 डेज के लिए
अंदर बंद रहे, क्वारंटाइन करें। तो वो बात मुझे ध्यान आई जो मैंने गुरु जी को ऐसे ही बोल दिया था। और आप ये देखिए संगत जी, गुरु जी हर एक बात सुनते हैं। मतलब आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज, आप कोई ऐसे मत बात कीजिएगा गुरु जी से। लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा, मैंने बोल दिया लाइक। और 14 डेज के बाद जब मैंने कोरोना का टेस्ट करवाया तो मेरा रिजल्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। तो आप ये देखिए कि हमारा गुरु हम सबसे कितना प्यार करता है कि एक रुपया भी हॉस्पिटल में नहीं लगवाया। और विद इन 10 डेज मेरी आंटी जो है वो घर आ गई थी। अब संगत जी ये तो थे गुरु जी का सत्संग, जो कि गुरु जी ने मुझे दो बेटे ब्लेस किए। अब मैं आपको बताऊंगा गुरु जी की लाइफ, जो गुरु जी ने मुझे लाइफ ब्लेस करी। लॉकडाउन से पहले एक आंटी को एक ड्रीम आया, किचन में गुरु जी सेवा करवाते हैं, ये गुरु जी की रहमत है। तो एक आंटी को दूसरी आंटी के लिए एक ड्रीम आया और मैं गुरु जी को देख रहा था। तो वो रो रही थी क्योंकि इमोशनल थी, गुरु जी का सत्संग था तो एकदम से गुरु जी के लिए प्यार आ जाता है। तो मैंने गुरु जी को देख के यही बोला, गुरु जी मेरे बारे में भी कुछ। तो एक थॉट आया और एकदम से मैंने बोला, नहीं नहीं गुरु जी आप बहुत प्यार करते हो, थैंक यू, बस आप कुछ नहीं, बस आप बस ऐसे ही प्यार करते रहो। और मैं इनफैक्ट फिर लंगर प्रसाद के लिए चला गया। तो आफ्टरनून में एक आंटी आती है, वो मुझे कहती है कि जितेश तू कल मेरे एक ड्रीम में आया था। तो मैंने गुरुजी को देखा, मैंने कहा गुरुजी आपको सुबह तो मैंने आज आपको बोला और दोपहर को आपने ड्रीम में दिखा दिया। तो आप वो मुझे आंटी कहती है, जितेश मैंने कल ड्रीम में ये देखा कि तेरा एक हाथ पूरा जला हुआ है और तू बेड पे लेटा हुआ है और लाइक तेरी तू पानी का ग्लास उठा रहा है तो तेरा पूरी चेस्ट जली हुई है। तो बेटा तू ना चूल्हे के आसपास सेवा करता है, आई वुड रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके सेवा, लाइक थोड़ा सा अलर्ट होके सेवा करियो। तो मैंने कल जो ड्रीम देखा मैंने तुझे बता दिया। अब आप ये देखिए संगत जी कि मैंने एकदम से गुरु जी को यही देखा और गुरु जी को मैंने, गुरु जी आप कुछ भी हो जाए बस मेरी सेवा मत छुड़वाना। मैंने गुरु जी से संगत जी उस टाइम गुरु जी ने ये मत बख्शी कि गुरु से क्या अरदास करनी है। और आप विश्वास मानिए संगत जी, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज गुरु जी अपनी वडियाई करवा रहे हैं। आप ये देखिए कि 2021 भी हो गया चल रहा है और अभी तक ना मेरा कोई हाथ जला ना कोई मेरी चेस्ट जली। ये गुरु की कृपा, जो गुरु जी ने दया करी वो ड्रीम में आके ही कष्ट काट दिया, वो कष्ट आने ही नहीं दिया। ऐसे ही संगत जी थोड़े टाइम पहले मुझे एक ड्रीम आता है कि एक अंकल आए हैं लाइक पेन और पेपर लेके और वो कुछ मेरे बारे में ड्रीम में मेरे लिए कुछ लिख रहे थे। पहली लाइन उन्होंने लिखी, मैं तेरे को ब्लेस कर रहा हूँ ऑपरेशन से। तो आई टोल्ड मैंने उन अंकल से ड्रीम में पूछा कि अंकल किस चीज का ऑपरेशन। तो वो मुझे कहते हैं आईज की रेटिना का ऑपरेशन। तो सेकंड लाइन उन्होंने ये लिखी, जो तेनु चाहिए वो मैंने पता है, मैं तेनु वो भी ब्लेस करूंगा। और इसके बाद मैं देख रहा हूँ कि लाइक गुरु जी अपनी गद्दी पे बैठे हैं और गुरु जी के चरणों पे 2-3 संगत बैठी है और गुरु जी के सामने बिल्कुल मैं बैठा हूँ। और मैं मन ही मन में गुरु जी को बोल रहा हूँ, गुरु जी मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा वो अंकल कौन थे। तो इतने में ही मैं देख रहा हूँ गुरु जी क्या करें, गुरु जी एक आंटी को कुछ कहते हैं और मैं गुरु जी को बोल रहा हूँ, गुरु जी मुझे सब समझ आ गया, वो आप ही थे और मेरा ड्रीम ओवर हो जाता है। आप ये देखिए संगत जी कि गुरु जी ने ये जो आईज की रेटिना का भी जो कष्ट था, जो भी कष्ट गुरु जी को पता है अपनी संगत के कष्टों को गुरु जी ड्रीम में ही काट देते हैं, वो कष्ट आने ही नहीं देते हैं हम संगत के ऊपर। वो इतना हम सबसे प्यार करते हैं, हमें नहीं पता संगत जी कि हम गुरु जी को कितना प्यार करते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी जो है वो हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही आपको मैं ये तो अभी आपको मैं अपने जो गुरु जी ने मुझ पे लाइफ ब्लेस की, ऐसी एक बार 13 जुलाई को मेरी शादी हुई थी, तो 31 दिसंबर 2016 या न्यू ईयर के टाइम जो न्यू ईयर की पार्टी होती है, तो मैंने अपनी वाइफ को यानी कि मैंने अपनी आंटी को बोला कि चलो आज मैं आपको एम्पायर स्टेट दिखाता हूँ और उसके बाद हम एम्पायर स्टेट में दर्शन करके और बड़े मंदिर के दर्शन करके फिर हम फटाफट मंदिर चलेंगे लाइक घर चलेंगे। और क्योंकि 31 दिसंबर है तो पार्टी भी इंजॉय करनी है क्योंकि मेरे घर पे लाइक सब मम्मा जो है पक्की माता रानी की भक्त है, जो मेरे ब्रदर्स हैं वो पक्के साईं बाबा के भक्त हैं। और गुरुजी ने मुझे अपने गुरुजी यही कहते हैं संगत जी कि फैमिली का एक बंदा भी आ जाता है पूरी फैमिली का कल्याण होता है।
तो पहले मैं आपको ये वाला जो सत्संग 31 दिसंबर वाला सुना रहा था कि गुरु जी ने कैसे मेरी और मेरी वाइफ की लाइक मुझे हमें कैसे न्यू लाइफ ब्लेस की हमें कैसे बचाया। 31 दिसंबर को रस्ते में एम्पायर स्टेट जाते हुए मेरी गाड़ी से एक ऑटो का बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ऑटो वालों की बिल्कुल भी गलती नहीं थी। थैंक्स टू गुरु जी कि उस ऑटो में ऑटो ड्राइवर के अलावा और कोई भी नहीं था, और मैं और मेरी आंटी जो कि मैं बहुत डैश स्पीड में गाड़ी चला रहा था, लाइक आई वाज इन अ हरी कि मैं जो फटाफट दर्शन करके मुझे घर जाना है। तो वहां पे जाके मेरा ऑटो से एक्सीडेंट हुआ, और ऑटो से एक्सीडेंट ऐसे हुआ संगत जी कि ऑटो ड्राइवर जो है वो मेरी गाड़ी के नीचे, ऑटो पलट गया, ऑटो ड्राइवर मेरी गाड़ी के नीचे, और मेरी गाड़ी फिर भी चल रही है। और लाइक विद इन 2 मिनट्स बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, और सतबरी के लाइक जो एम्पायर स्टेट में सतबरी का एरिया आता है वहां पे, और उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि आपने बंदे को मार दिया है। और जिस हिसाब से उन्होंने गाड़ी बैक करा के उस बंदे को ऑटो ड्राइवर को निकाला था, मुझे ऐसे ही लगा उन्होंने निकाला गाड़ी के नीचे से और एज इट इज उठा के सड़क पर रख दिया। तो मुझे भी यही लगा कि आज मेरा न्यू ईयर मन चुका है और आज ये बंदे की डेड हो चुकी है, मेरे पे आज अब केस होगा और मेरा न्यू ईयर बिल्कुल खराब। मैंने अपनी फैमिली को फोन किया कि लाइक आप सब आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें जो बंदा है ऑटो ड्राइवर है उसकी वो डेड हो चुका है। तो आई टोल्ड एवरीवन कि मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं कहीं नहीं भाग रहा। जो वहां पे लाइक पूरा इकट्ठा हो गया था माहौल, तो उनको मैंने यही बोला आप इस ऑटो ड्राइवर को पहले आप कहीं हॉस्पिटल लेके जाओ, क्या पता इसके अंदर कुछ साल से बची हो। आप विश्वास मानिए संगत जी, जितना इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था उस एक्सीडेंट के ऊपर कोई केस नहीं होने दिया गुरु जी ने। जो ऑटो ड्राइवर था उसकी एक ही फॉल्ट था, वो भी गुरु जी को पता है कि डॉक्टर्स ने ये बोला था कि उस ऑटो ड्राइवर ने ड्रिंक कर रखी है और उसको सिर्फ गुमसुम चोटें आई हैं। और आप ये माने गुरु जी, आप ये बात मानिए संगत जी कि गुरु जी ने कैसे मुझे उस केस से बाहर निकलवाया, कोई केस नहीं होने दिया। आधे घंटे में वो ऑटो ड्राइवर अपने घर पे वापस आया। जो भी एक छोटे मोटे एक्सपेंसेस थे ऑटो के एक्सपेंसेस और ऑटो के ऑटो ड्राइवर पे जो मेडिकल एक्सपेंसेस थे वो पे ऑफ करके, मतलब गुरुजी ने कोई पुलिस केस नहीं होने दिया। और मुझे क्लियरली लाइक 31 दिसंबर आई एंजॉयड माय नाइट कि थैंक्स टू गुरुजी, क्योंकि 31 दिसंबर हर किसी को याद होता है कि 1 जनवरी 31 दिसंबर। लाइक मुझे ये लगा था कि मैं अब पुलिस स्टेशन में मुझे अरेस्ट होना पड़ेगा और मेरी पूरी लाइफ आगे की क्या चलेगी, मेरी नई नई शादी हुई है क्या होगा। गुरु जी ने कुछ भी नहीं होने दिया संगत जी, जो कि इतनी सारी गलतियां सिर्फ मेरी थी, ऑटो ड्राइवर की कोई भी गलती नहीं थी, और फिर भी गुरु जी ने बख्शा। अब संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाऊंगा। आप ये देखिए कि जो मैंने जो गुरु जी कहते हैं कि एक फैमिली का मेंबर आता है पूरी फैमिली ब्लेस होती है। अब इसका मैं आपको गुरु जी का सत्संग सुनाऊंगा कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक ड्रीम देखा कि लाइक गुरु जी बैठे, सॉरी मैंने ये देखा कि मैं गाड़ी में, किसी गाड़ी में बैठा हूं और गाड़ी का शीशा नीचे है, और कोई एक बंदा आके मुझ पे गोलियां चलाता है, 4-5 गोलियां चला देता है। और मेरी मम्मा साथ में खड़ी है, मेरी मम्मा उस बंदे को कह रही है कि भैया तुम मुझे भी मार दे, मैंने जी की क्या करना है। तो उस बंदा जो, वो बंदा है जो गोलियां चला रहा है, उसने मेरी मम्मी के ऊपर भी 4-5 गोलियां चलाई, और हम लाइक हम दोनों को हॉस्पिटल लेके गए हैं। और मैं देख रहा हूँ ड्रीम में ही कि मेरी मम्मा स्केचर पे लेटी हुई है, और मैं नर्स से पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर कितने देर में आएगी, और मैं अपने पैरों पे खड़ा था। और कॉन्टिन्यूसली संगत जी ड्रीम में मेरे मन में गुरु जी की एक ही चीज चल रही थी, गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। कॉन्टिन्यूसली संगत जी मंत्र जाप चल रहा था। डॉक्टर आती है, मेरे को अच्छी तरह से याद है, ड्रीम में मैंने देखा कि लेडी डॉक्टर आ रही है। लेडी डॉक्टर के हाथ में एक मोबाइल था, वो मुझे देख के कह रही है कि मैं अभी मोबाइल ठीक करवाने दे के आ रही हूँ अभी 10 मिनट में। उस डॉक्टर से मैं लड़ रहा हूँ कि आप हमारी सिचुएशन देखो कि हमारी सिचुएशन क्या है, और आप जो है आपको अपनी फोन ठीक कराने की पड़ी है। वो डॉक्टर कुछ नहीं सुनती, चली जाती है। वो 10 मिनट के बाद दोबारा से आती है, मैं उस डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कि डॉक्टर साहब आप पहले मेरी मम्मी की बॉडी में से आप गोलियां निकालो। ये जो भी सिनेरियो चल रहा था संगत जी ड्रीम में, ये इस ड्रीम में मैं कॉन्टिन्यूसली गुरुजी, मैं नहीं, गुरुजी मुझसे मंत्र जाप करवा रहे थे, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा साय, यानी कि गुरुजी का मंत्र जाप।
और मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर ने मम्मी की बॉडी में से गोलियां निकाली हैं और अब मेरी बॉडी में से लाइक निकाल रहे हैं, लेकिन मेरी लाइक मेरे वर्क से मेरा फोन बज जाता है अर्ली मॉर्निंग, तो मेरा ड्रीम ओवर हो जाता है। और मैं जब उठा तो मैं मंत्र जाप कर रहा था, मैं सॉरी संगत जी, मैं कुछ नहीं कर रहा था, गुरु जी करवा रहे थे मुझसे। तो आप ये देखिए कि गुरु की कितनी बड़ी रहमत कि गुरु जी ने मुझे और मेरी मम्मा की दोनों की न्यू लाइफ ब्लेस की, साथ ही साथ मंत्र जाप की शक्ति बताई कि मंत्र जाप की गुरु जी के जो मंत्र जाप है वो कितनी शक्ति है उसमें, कि लाइक मुझे 4-5 गोलियां खाने के बावजूद भी मैं अपने पैरों पे खड़ा था। ये मेरी गुरु की, हमारे गुरु की हम सबके ऊपर दया कृपा। अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाऊंगा जो कि मैंने देखा अभी थोड़े दिन पहले, कि मैंने एक और ड्रीम देखा संगत जी, कि मैं एक ड्रीम में फिल्म देख रहा हूँ, लाइक पिक्चर देख रहा हूँ मैं, फिल्म चल रही है और उस फिल्म में गुरु जी जो है चेयर पे बैठे हुए हैं। मैं गुरु जी को ड्रीम में बोल रहा हूँ, गुरु जी आप तो फिल्मों में भी आने लगे हो। और इतने में ही कोई एक बंदा था, वो मेरे फैमिली के 3 बंदे थे, लाइक मुझे ड्रीम में याद थे कि वो फैमिली मेंबर्स कौन है, लेकिन जब मेरा ड्रीम ओवर हुआ तो मुझे ये याद नहीं थे कि वो कौन से बंदे थे, बट एग्जैक्टली ये पूरा याद था कि वो थे मेरे फैमिली के। मेरे फैमिली के 3 मेंबर्स थे, उन पे वो अटैक कर रहा था। अटैक ऐसे कर रहा था संगत जी, जैसे फिल्म में हम देखते हैं कि लाइक वो हवा से खींच के लेके जा रहा था उन मेरे 3 फैमिली मेंबर्स को। और गुरु जी ने क्या किया, गुरु जी ने उन तीनों फैमिली मेंबर्स को अपने पास ला के खड़ा कर दिया। और उस जो बंदा जो उन पे अटैक कर रहा था, उस बंदे को इतनी दूर जाके लाइक बहुत दूर जाके फेंका, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, ऐसे वो इतनी दूर जाके गिरा वो बंदा और मेरा ड्रीम ओवर हो गया। तो आप ये देखिए संगत जी, ये गुरु की हम सबके ऊपर अपार कृपा, जो गुरु जी वो हम सबके ऊपर इतना प्यार करते हैं कि फैमिली का एक बंदा भी अगर गुरु जी जिस अपने फैमिली को एक बंदे को भी बुला रहे हैं, गुरु जी पूरी फैमिली मेंबर्स को ब्लेस कर रहे हैं। अब मैं आपको संगत जी ये बताऊंगा कि गुरु जी हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ जानते हैं। इसका सत्संग मैं आपको गुरु जी का सुनाना चाहूंगा। पास्ट का सत्संग ये है संगत जी कि मेरे फादर नहीं है, तो एक बार मेरी मासी की बेटी को ड्रीम आता है कि मेरी मम्मा, मेरी मासी की बेटी और मेरे मामा और मेरी मामी ड्रीम में बैठे हुए, उसकी मेरी मासी की बेटी को ड्रीम आता है, ये सारे 5 बंदे जो हैं ये खड़े हैं आपस में और गुरुजी एक चेयर पे बैठे हैं और मेरे मामा भी हैं और मेरी मामी भी हैं और मेरी मामी बहुत रो रही है और मेरे मामा भी खड़े हैं वहीं पे। और गुरुजी जो है मेरी मम्मी को कहते हैं कि तू भूल गई है इन्हें तेरा कितना साथ दिया सी, लाइक कि जब मेरे फादर की डेथ हुई थी 2001 में, तो ये जो मामा है उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट, फाइनेंशियली इमोशनली हर चीज में बहुत सपोर्ट किया था। तो गुरुजी ने मेरी मॉम को बोला ड्रीम, उनकी ड्रीम में आके, मेरी मासी की बेटी की ड्रीम में आके, कि तू भूल गई है इन्हें तेरा कितना साथ दिया सी, जाए थे घर जा ते मिठाई का डब्बा लेके जा। आप विश्वास मानिए संगत जी कि अब जब हमें ये नहीं पता कि हम बोलते हैं गुरुजी ने हमें इस साल बुलाया, हमें नहीं पता संगत जी कि गुरुजी ने कब से अपने चरणों में जोड़ रखे हम सब संगत को। तो आप ये देखिए 2001 में डेथ हुई थी और गुरुजी ने अभी कुछ टाइम लाइक मतलब जैसे हम जो मेंटली अपना दिमाग लगाते हैं, इंसानों वाला दिमाग जो है, लाइक मैंने आपको बोला कि 2014-15 में गुरुजी ने मुझे अपने शरण में बुलाया, अब जब 2014-15 में बुलाया, लेकिन गुरुजी ने पास्ट भी बताया कि जब पापा की डेथ हुई थी तो मतलब लाइक पूरा पास्ट बताया गुरुजी ने और फ्यूचर ये बताया, प्रेजेंट गुरुजी अपने साथ चल रहे हैं, फ्यूचर गुरुजी ने बताया कि इसका बेटा होगा और गुरुजी ने बेटा ही दिया। तो ये हमारे रब है कि लाइक हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर सब कुछ गुरुजी जानते हैं। अब मैं आपको संगत जी एक सत्संग गुरुजी का और सुनाऊंगा कि लाइक गुरुजी की इतनी रहमत कि एक बार मैं ड्रीम में देख रहा हूँ कि लाइक मैं कोई कॉलेज या स्कूल में बैठा हूँ और वहां पे प्रोफेसर क्लासरूम में प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं और मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे साथ लाइक स्टूडेंट्स वगैरह सब बैठे हुए, मैं किसी को नहीं जानता वो कौन थे, और टेलीपैथिकली मेरे कानों में ड्रीम में एक आवाज आती है
जो ये टीचर पढ़ा रहे हैं ये गुरुजी हैं, और मैं एकदम से ड्रीम में बोल रहा हूँ कि चलो मैं गुरुजी से मिलता हूँ, मतलब ये प्रोफेसर है मैं इनसे मिलता हूँ जो कि गुरुजी के रूप में आए हैं, और जैसे ही क्लास खत्म होगी अगर मैं अभी मिलता हूँ तो क्लास में डिस्टर्बेंस हो जाएगी, क्लासरूम खत्म होते ही मैं गुरुजी से मिलता हूँ। जैसे ही संग जी वो क्लास खत्म हुई, प्रोफेसर बाहर गए जो गुरुजी के रूप में आए थे, वो प्रोफेसर बाहर गए और मैंने उनको पकड़ा, मैंने उनको बोला सर मुझे पता आप गुरुजी हो, और वो मुझे देख रहे हैं और इग्नोर मार रहे हैं गुरुजी जो आए थे प्रोफेसर के रूप में। मैं तो बार बार यही बोल रहा था सर मुझे पता आप गुरुजी हो, गुरुजी मेरे गुनाहों को बख्श दो। आप ये देखिए संगत जी कि गुरुजी ने, गुरुजी का ड्रीम में नाम जो लेते हैं वो गुरुजी की रहमत से ही होता है, और महाराज ने इतनी बड़ी रहमत बख्शी कि उस रब से, वो परमात्मा से क्या मांगना है, उस रब ने ये मत बख्शी ड्रीम में कि मुझसे ये बुलवाया गुरुजी मेरे गुनाहों को बख्श दो, गुरुजी मेरे गुनाहों को बख्श दो। मैं कॉन्टिन्यूसली गुरुजी ने मुझसे यही बात बुलवाई कि गुरुजी मेरे गुनाहों को बख्श दो, और जो प्रोफेसर थे वो मुझे देख रहे थे और मुझे इग्नोर मार रहे थे। इतने में ही मैं रोने लग गया बहुत जोर जोर से ड्रीम में ही, और मैं गुरुजी को यही बोल रहा हूँ गुरुजी मेरे गुनाहों को बख्श दो, उनके गुरुजी के पैर पकड़ लिए लाइक, और बार बार जो प्रोफेसर थे मैंने यही बोल रहा था गुरुजी मेरे गुनाहों को बख्श दो। काफी देर के बाद वो प्रोफेसर जो गुरुजी के रूप में आए, उन्होंने अपने पैरों में से लाइक, उन्होंने शर्ट फॉर्मल कपड़े पहन रखे थे तो उन्होंने अपने पैरों में से शूज उतारा और सीधा मेरे फोरहेड पे मार दिया, और लाइक जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, और आप विश्वास मानिए संगत जी मैं इतना रो रहा था ड्रीम में, और जैसे ही वो जूता मेरे माथे पे मारा मैं एकदम से चुप हो गया। लाइक एक बच्चे को कोई खिलौना चाहिए होता है और वो खिलौना मिल जाता है तो वो चुप हो जाता है, सेम वैसे ही मैं एकदम से चुप हो गया और मेरा ड्रीम ओवर हो गया। तो मैं उठ के बैठा तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि मेरे माथे पे कुछ मारा है किसी ने, और मुझे एकदम से याद आया कि वो गुरुजी आए प्रोफेसर के रूप में, और गुरुजी ने ये बुलवाया कि क्या गुरु से मांगना है, और गुरुजी ने वो रहमत बख्शी। संगत जी आप ये देखिए, ये तो ये सारी ब्लेसिंग्स, ये जो ये सारे मिरेकल्स जो नहीं है, ये सारी गुरु की ब्लेसिंग्स हैं कि गुरुजी हर एक चीज, हेल्थ, लाइफ, प्रोस्पेरिटी, वेल्थ, सब कुछ गुरुजी के टाइमिंग्स जो गुरुजी ब्लेस करते हैं। बस गुरु, क्योंकि संगत जी हम सरेंडर नहीं कर सकते, अगर ये गुरु की रहमत होती है जो गुरुजी सरेंडर करवाते हैं। और आपको मैं एक और बड़े प्यारा सा एक छोटी सा सत्संग आपको गुरुजी का एक और सुनाना चाहूंगा, क्योंकि लाइक टाइम था। तो एक बार संगत जी गुरुजी की मंदिर में गुरुजी की सेवा गुरुजी करवा रहे थे, तो मैं थोड़ा सा जल्दी पहुंच के मैंने वैसे ही एक बार गुरुजी को एक भजन सुना दिया, मेरे साहिबा कलम मत तेरे सोने सोने लेख लिख दे। आप विश्वास मानिए संगत जी, जब म्यूजिक स्टार्ट हुआ और सबसे पहला शब्द मंदिर में, जब अभी लॉकडाउन के टाइम जब 12 बजे 12 o'clock मंदिर खुलता था, सबसे पहला भजन शब्द जो चला, मेरे साहेबा कलम तेरे सोने सोने लेख लिख दे। आप ये देखिए कि गुरुजी हर एक मन की बात हमारी सुनते हैं, और वो 3-4 हफ्ते से मैं मंदिर में यही सोच रहा था कि यार ये शब्द चलता नहीं है, ये भजन मंदिर में चलता नहीं है लाइक। और उस दिन पता नहीं क्या था, गुरुजी किस मौज में थे, गुरुजी हर एक बात सुनते हैं, तो वही भजन सुनवाया, मतलब गुरुजी की रहमत थी कि मतलब मैंने गुरुजी को नॉर्मली मंदिर में जाके भजन सुनाया और महाराज ने सबसे पहला भजन यही चलाया, मेरे साहिबा कलम तेरे सोने सोने लेख लिख दे। तो ये हमारे रब की हम सबके ऊपर अपरंपार कृपा, अपरंपार। और गुरु संगत, संगत जी सत्संग तो गुरु जी के बहुत है, बहुत सत्संग है, मतलब गुरु जी ने क्वारंटाइन जो ये निकला है, ये मेरा वैलेंटाइन, मेरा नहीं हर एक संगत का वैलेंटाइन मनाया है। बस एक रब से यही अरदास है कि महाराज ऐसी मत बख्शो सबको कि हम जो भी हमारी मत है उस मत को बख्श दो आप, क्योंकि ये रब की जो रब जी हमारे हमारी मत को बख्श देंगे, मत सही चलेगी तो नेचुरली सी बात है कर्म सही चलेंगे, कर्म सही होंगे तो फल सही मिलेगा। तो ये हमारे रब से एक ही अरदास हम सभी संगत को कि सर्वदा भला होवे, क्योंकि संगत जी ऑलरेडी टाइमिंग्स हो चुके हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि थैंक यू गुरु जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो प्लीज मुझे माफ करना संगत जी, अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो। थैंक यू गुरु जी के आश्रम की तरफ से, जो मुझे गुरु जी ने और गुरु जी के आश्रम ने
मुझे मौका दिया कि गुरु की वडियाई करने का। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू।